नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके रिव्यू करेंगे हम कि क्या क्या पूछा गया, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए और जीए के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी मैं फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू करूँगा दोस्तों और शाम तक सभी शिफ्टों का रिव्यू आपको बता दूँगा कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उन वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों ये जो सेक्शन थे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस के, उसमें से मैथमेटिक का मॉडरेट था लेवल, यानी कि ठीक ठाक था, ना आसान था ना मुश्किल था, 12 से 17 क्वेश्चन आसानी से हर कोई कर सकता था आज की शिफ्ट में। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बहुत आसान थी, 22 से 26 क्वेश्चन उसमें से गुड अटैम्प्ट है। जनरल साइंस ठीक थी, कुछ आसान थे क्वेश्चन और कुछ मुश्किल थे, मतलब मीडियम लेवल के थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। 14 से 16 क्वेश्चन आप उसमें से अटैम्प्ट कर सकते थे। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स मॉडरेट था दोस्तों, 11 से 14 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए। और जो करंट अफेयर पूछा गया दोस्तों, वो 2017 का करंट अफेयर पूछा गया है। और ये जो कुछ टॉपिक थे जिसमें से जनरल साइंस, ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक थे कुछ वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, जीके साइंस के और करंट अफेयर्स की पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया। एक सीएम किसी राज्य का या गवर्नर के बारे में पूछ लेंगे, बायोलॉजी का पूछा गया, ऑप्टिक्स का पूछा गया, हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी सिस्टम का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स, जनरल स्कीम्स वो गवर्नमेंट स्कीम सॉरी सपोर्ट्स और मिसलेनियस, ये क्वेश्चन पूछे गए। और रीजनिंग में शिलोक से पूछे गए क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का था, लॉजिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, सीटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंट डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल, मिसलेनियस, ओड वन आउट। तो रीजनिंग के काफ़ी आसान टॉपिक थे दोस्तों, काफ़ी आसान आई हुई थी रीजनिंग, सभी अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो आप कम से कम टाइम में। और फिजिक्स के 9 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईजी थे वो, केमिस्ट्री के 7 से 9 थे वो थोड़े बीच के थे, ना मुश्किल ना आसान थे ना मुश्किल थे। बायोलॉजी के 8 से 11 क्वेश्चन आसान पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन थे। ये था गोवर्धन योजना से पूछा गया एक, ये भी तो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊँगा कि कब योजना लागू हुई, क्या क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर था, क्या उसके बारे में और जानकारी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गोवर्धन योजना की कब स्टार्ट की गई ये पूछा गया था, किस स्टेट से, गवर्नर आरबीआई का, इलेक्शन ऑफ ए प्रेजिडेंट हु सेलेक्ट द इलेक्शन कमीशन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पता नहीं किस तरीके से पूछा इन्होंने। बैटल ऑफ पलासी के बारे में पूछा, इंडिया का स्थान कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में, तो दूसरा स्थान है दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इनएक्टेड हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन से, ये 26 सितंबर की किसी शिफ्ट के है क्वेश्चन, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, इन टॉपिक्स में भी आपका आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। सबसे कम उम्र में महिला एवरेस्ट पर चढ़ी वो पूछा था, फिल्म फेयर से पूछा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का पूछा, वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सीएम तेलंगाना, जीएसटी का हेड कौन था, न्यूज़ चैनल किसको अवार्ड मिला, एनिमल फेमस कौन सा सुंदरवन में, स्वस्थ परिवार कल्याण का मिनिस्टर कौन है, ब्लैक रिवोल्यूशन से क्वेश्चन था एक, और आईसीसी क्रिकेट में सेकंड स्थान पर कौन सी महिला क्रिकेटर है, ये बारे इनके बारे में मैं आपको आंसर अभी बताऊंगा, आगे की वीडियो को देखते रहें, ठीक है दोस्तों। कुछ आंसर्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर कौन है, नए उर्जित पटेल है दोस्तों। इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन डी के शर्मा है। एक क्रोमोसोम से क्वेश्चन था ह्यूमन बॉडी में, विच स्टेट हैज लॉन्च गोवर्धन योजना, हरियाणा से, प्लासी का ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। मिरर इमेज पूछा था दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन था, वाई ए एच को अगर शीशे में देखेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो एच का एच दिखेगा, ए का ए दिखेगा, वाई का वाई दिखेगा, एच ए वाई, कुछ इस तरह से वो आंसर आप ऑप्शन से देख के लगा देना। अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, टोडरमल था दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इंडिया का रैंक क्या है पॉपुलेशन में, दूसरा रैंक है, पद्म भूषण से एक क्वेश्चन था। इन विच ईयर वाज द फुटबॉल इंट्रोड्यूस्ड टू द ओलंपिक गेम्स, 1900 में हुआ था। हाउ मेनी पीरियड एंड ग्रुप आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, तो 7 पीरियड होते हैं दोस्तों, 18 ग्रुप्स इस तरह से ये थे,
तो जो और क्वेश्चन पूछे गए था उनका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो प्रेसिडेंट वाला तो क्वेश्चन पता नहीं सही से रिव्यू ले नहीं पाया मैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या था दोस्तों, लेकिन प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं एमएलए और एमपी, इलेक्ट्रिकल कॉलेज बोर्ड बोलते हैं उसको। गोवर्धन योजना कब लागू हुई ये क्वेश्चन था, हरियाणा से लागू हुई। एनडीआरआई जो नेशनल डेयरी है करनाल में, वहाँ से इस योजना का शुरुआत की गई। पलासी का युद्ध कब हुआ ये तारीख सन पूछा गया था दोस्तों, तो 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था। इसके बारे में और जानकारी ये है कि ये गंगा नदी के किनारे हुआ था, पलासी स्थान का नाम था, जिले का नाम नदिया था दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम, उनके बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की वहाँ जीत हुई थी। अब एक क्वेश्चन था कि यंग वोमेन टू क्लाइम एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे यंग जो महिला थी वो कौन थी, तो दोस्तों वो है, उसका नाम है पूर्णा। वो 25 मई 2014 को चढ़ी थी, उस समय उसकी एज 13 साल 11 महीने थी। क्वेश्चन तो सिर्फ नाम नाम पूछा था, आप डेट भी याद कर लीजिए और उसकी एज भी याद कर लीजिए, आगे वाली शिफ्टों में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों जब वुमेन का पूछ सकते हैं तो हो सकता है कि यंगेस्ट मैन का भी पूछ ले, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन रोमेरो सबसे यंगेस्ट मैन थे जो एवरेस्ट पर चढ़े थे, उनकी उम्र 13 वर्ष थी जब वो चढ़े मई 2010 में, कैलिफोर्निया से ये है। ठीक है दोस्तों, कुछ एक क्वेश्चन ये था, बेस्ट एक्टर अवार्ड 2017 में किसको मिला मूवी के लिए, तो वो आमिर खान को मिला था दंगल मूवी के लिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूछा था राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अगस्त 2017 तक ऐसा कुछ पूछा था क्वेश्चन में, लेकिन वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ही भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। सीएम पूछा है तेलंगाना का चंद्रशेखर राव, ये इसलिए पूछा गया दोस्तों तेलंगाना की क्योंकि तेलंगाना नया राज्य बना था, ठीक है, तो वहाँ का सीएम है चंद्रशेखर राव। हु इज़ द फर्स्ट हेड ऑफ द जीएसटी, इसका मुझे सही से आंसर मिला नहीं, लेकिन अरुण जेटली अगर ऑप्शन में था तो हो सकता है कि अरुण जेटली जेटली उसका आंसर हो। न्यूज़ चैनल अवार्ड 2017 बेस्ट न्यूज़ चैनल हिंदी न्यूज़ चैनल अवार्ड मिला था दोस्तों आज तक को। और सुंदरबन में कौन सा एनिमल फेमस है, तो रॉयल बंगाल टाइगर, वहाँ सुंदरबन सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ही जाना जाता है, फेमस है वहाँ पर ये जीव है एनिमल। स्वस्थ परिवार कल्याण मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा है दोस्तों। ब्लैक रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन था कि पता नहीं वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन ब्लैक रिवॉल्यूशन को पेट्रोलियम प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। अब पूछा था कि महिला क्रिकेटर में दूसरी रैंकिंग किसकी है, क्वेश्चन दूसरी रैंकिंग में उस महिला का नाम पूछा था क्रिकेट में, उसका नाम है मैग लैनिंग, वो ऑस्ट्रेलिया से है। और प्रथम स्थान पर जो है वो है एलिस पेरी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से है दोस्तों। और मेंस की बात करें तो मेंस का तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट स्थान पर है विराट कोहली और दूसरे स्थान पर है बाबर आजम पाकिस्तान से। ये ODI रैंकिंग का पूछा जाता है दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो अगर कुछ भी मेंशन ना किया गया हो कि कौन से ट्रम में है क्वेश्चन, तो वहाँ ODI का ही आप आंसर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज शाम को मैं आपको तीनों शिफ्टों का रिव्यू दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।